やべえぞ。おっとり。シッ。आज जा रहे हैं हम दूसरे इवेंट में, जहाँ से पापा ने वो टेडी पे जीता था ना, वैसे कोई इवेंट है आज, कुछ और बड़ा इनाम दी देंगे। तरीका आ गया मेरे को, तरीका कैसे करना। हाँ ठीक है, मम्मी बन गई एनआरआई बिल्कुल फिर से। आज मेरे को पहले वो दिखाओ क्या क्या सामान बाहर उग चुका है, टमाटर मिर्च है ना, टमाटर मिर्ची अभी तो यही होगा है बस, बड़ा हो गया ना, ग्रो हो गया है ना, वो देख लेते हैं। धनिया और पुदीना भी हो गया। दिखाओ जी, तोड़ लो मिर्च। हाँ तोड़ लो क्या मिर्च है, ये सारी मिर्च लगेंगी जो फूल है ना। हाँ। सारी मिर्च आएंगी, ये देखो। अच्छा ये तो उग गई पूरी, ये तो एक तोड़ लो ना। हाँ तोड़ लो, पक गई है पूरी, बहुत पक गई, इससे बड़ी नहीं होगी। होगी तो फिर लगा दे, फिर क्यों निकाल दी। नहीं हमें क्या सड़ना चाहिए, मुहूर्त हो गया पहला मुहूर्त। चलो नाइस, मेहनत का फल बह रहा है। ये पहली वाली है ना, इसको तो बाहर वो नींबू मिर्ची लगाते हैं ना, शेरी बार को नींबू लगाते हैं, यहाँ किसी नजर लगनी है, सब अमीर है तो फिर भी मतलब एक की तो सब्जी में डलेगी, कोई जादू टोने वाला नहीं है यहाँ, ठीक है, सब अच्छे आदमी है, सब अच्छे। वो कहाँ होते हैं, वो तो इंडिया में भी नहीं होते। एक कट्टा हो गया है, जो रिफ फेस्ट है वो ड्राइव थ्रू रिफ फेस्ट है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, कोविड वगैरह खत्म हो चुका है, अब क्या मतलब इसकी जरूरत है, अब तो पूरा सिटिंग वगैरह करवा सकते थे, वहाँ पे बैठ सकते थे जैसे ब्रैम्पटन वाला था, बट ड्राइव थ्रू का फायदा नहीं है, है ना, क्योंकि वो तो गेम्स वगैरह खेलोगे, यही सिर्फ खाने के लिए है कि आप जाओ अपना गाड़ी में बैठे बैठे ले लो और खाओ, फन करना था हमने, खाना थोड़ी है। तो प्लान चेंज, बर्लिंगटन लेक शोर जा रहे हैं, वहाँ पे भी पापा मम्मी गए नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो वहाँ पे उधर चलो। भाई साहब आधा घंटा वेस्ट हो गया पार्किंग लगाने में, मैं सोच रहा था कि थोड़ा लेक शोर के पास लग जाए सो दैट मम्मी को ज्यादा चलना ना पड़े, बट मिली नहीं वहाँ पे, अब थोड़ा चल के जाना पड़ेगा हमें, बट रेस्ट ऑफ भी दिखा देंगे आपको रास्ते में सारे चल चल के, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं जो बर्लिंगटन के जहाँ पे सारे मेन रेस्टोरेंट होते हैं, विलेज स्क्वायर। अच्छा मतलब यहाँ पे बढ़िया बड़ी रेस्टोरेंट्स हैं और अच्छा भी लगता है, थोड़ा एरिया से ना रात को स्पेशली अच्छा लगता है, लाइट स्क्वायर जलती है, अभी देखो लाइट नहीं जल रही, लाइट जलेंगी रात को। देखो यहाँ पे कितने सारे रेस्टोरेंट हैं, हम नहीं खा सकते क्यों, क्योंकि यहाँ वेजिटेरियन मिलेगा नहीं। अच्छा। इंडियन नहीं मिलेगा, ठीक है, हम भी आए थे तो मनप्रीत को बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, वेजिटेरियन नहीं मिल रहा हमें, तो हम जाएंगे अपना इंडियन, यहाँ पे इंडियन खुला है तो इंडियन रेस्टोरेंट पे जाके खाते, क्योंकि मेरे को भूख लगती है, मेरा डिनर का टाइम, मतलब वहाँ भूखे नहीं रहेंगे, कहाँ पे वहाँ पे इंडियन वाले पे, यहाँ भूखे रह सकते हैं, यहाँ ढूंढना पड़ेगा कि क्या खाओ, क्योंकि आप वेजिटेरियन हो, सो हम तो फिर भी थोड़े चिकन खा लेंगे, इंडियन चलते, इंडियन इंडियन है, इस पार्किंग में लगा रहे थे हम, यहाँ पे मिली नहीं अभी तक, खाली नहीं घूम रहे हैं अभी ये, क्योंकि पास में लेक शोर की यहाँ पे कितने लोग घूम रहे हैं अभी, मिलती नहीं है, इतनी देर घूमते हैं वहाँ पे, पहले चले जाती तो वहाँ मिल जाती जल्दी, बट वो दूर है ना, फिर अब चलना पड़ गया आपको वहाँ से लेके यहाँ तक, चलना पड़ गया। क्या है ये, शुशी लिखा, मैं क्या शुशु कर रहा है, ये शुशी लिखा हुआ है, गाड़ी का कलर देखो, अरे देखो ये देखो, वाह यार फोटो खींच लो, खींच लो, ऐसे नहीं लग रहा एल्युमिनियम फॉइल लगा दी है, गर्मी में तो तप जाएगी ये, गर्मी में हो सकता है। मम्मी ना सांबर देख के हैरान होगी, सांबर देख बस और ये कितना बड़ा है, इतना सांबर तो हम वहाँ पे कटोरी में छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं वाकई सही बात है, छोड़ देते हैं हम, ये तो वैसे ही पी लेंगे पहले, गलाई तर करने के लिए पहले भी लेते हैं, और चटनी ज्यादा दे दी, ये सांबर है, ओ भाई मम्मी 10 भेजेगी 10 आराम से, सीरियसली ये बड़ी दिक्कत होती है, मैं सांबर और चटनी बहुत कम कर, ये अच्छा डोसा अच्छा होता है इनका, मम्मी को पसंद है डोसा, मम्मी ने डोसा मंगवाया है, पापा नखरे कर रहे हैं, उनको कुछ पसंद नहीं आया, अभी डिसाइड करूंगा, डिसाइड करेंगे जब खा के हम चले जाएंगे ना घर। और कॉलीफ्लावर विंग्स, जैसे मनप्रीत को भी कॉलीफ्लावर विंग्स पसंद है बिकॉज वेजिटेरियन का वही अच्छा होता है, तो वो पापा को ले दिए, और मैं इनका नया चिकन टिक्का मसाला ट्राई कर रहा हूँ, चिकन ट्राई कर लेना, नहीं नहीं चिकन मैं खाता नहीं भैया, ट्राई कर लो टेस्ट कर लो, एक बार मैंने वीडियो में बताया भी मैंने, चिकन नहीं खाता भैया, तो कैसा है डोसा, बढ़िया है, बढ़िया ना, मम्मी को पसंद है, सांबर और खरीदना पड़ेगा हमें, खरीदना पड़ेगा, एक्स्ट्रा नहीं,
हाँ, तो यहाँ पे ये फायदा है कि जो रुमाली रोटी है वो मिल जाती है हमें। मम्मी को रुमाली रोटी बहुत पसंद है, मिलती नहीं है यहाँ पे इजीली, तो मैंने अलग से ले लिया रुमाली रोटी ऑन द साइड। एंड डैडी ये गुलाब जामुन खोल के दिखाओ, कितना बड़ा गुलाब जामुन है, इतना बड़ा है ना ये 5 लोग खा लेंगे इसको, पर पेट भर जाएगा सबका। इसको बंद ही रहने दो, ये डिब्बी इतनी छोटी है तो रसगुल्ला कितना बड़ा होगा ये देखो, नहीं दिखाएंगे, बहुत बड़ा है, दिखाने नहीं देना। कंचे ना, कंचा, कंचे होते हैं ना खेलते हैं वो है ये। बट इससे बचपन की याद आई आपको? दो भी इसमें 3 बचपन की याद आई। बिल्कुल बिल्कुल, हम फ्राई करके ये खाते हैं, फ्राई करेंगे घर में, करेंगे हम फ्राई, ठीक है, चाय के साथ। आपने क्या मंगाया, खोल के दिखाओ भाई। कुछ भी लेने देते तो कुछ तो ऑर्डर करना था ना, और वेजिटेरियन खाना इनको, मनप्रीत के फेवरेट है ये, खा के देखो, खा के बताओ, टेस्ट बताओ। गरम ठीक है, हो गया ठंडा, हो गया, हाँ वही करो टेस्ट। ये वेजिटेरियन का चिकन है, मनप्रीत को कुछ और नहीं मिलता, यही मिलता है वहाँ पे, ये खा। तो आपका पनीर ऑर्डर कर दिया, रुमाली रोटी, ठीक है, 1 टेबल का मेज पोश होता है ना, कपड़ा बिछाने टेबल के नीचे, ऊपर वो है रुमाली रोटी। तो टेस्ट करके बताओ। मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा टाइम लगता है रुमाली रोटी को, ये बड़ी गर्म है सब्जी। वाह क्या बात है, कैसा रहा? बढ़िया रहा, डोसा बढ़िया था, सांबर बेकार था, सांबर बिल्कुल बेकार, और मेरा चिकन टिक्का मसाला बढ़िया था, वो नया आइटम है उनका, और फुलिया फुलिया हाँ जी सही है। कैसा रहा पनीर आपका, पनीर भुर्जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर ना रोटी प्लेस आई है जगह का नाम, अगर इसमें लेते हो करी या फिलिंग रोटी के अंदर तो खाई नहीं जाती, इसलिए हमने रोटी जो है ना साइड पे ले ली, तो आराम से जैसे रोटी सब्जी की तरह खा ली, पेट भर गया। बुलाओ बुलाओ ना, आजो आजो, आप तो ऐसे लग रहा है उसकी बाइक पे जाके बैठ जाओगे। आप बर्लिंगटन में आए और सबसे फेमस आइसक्रीम ना खाए, ये बात हो सही, आप खाओगे नहीं? नहीं मैं, पर टेस्ट जरूर कराऊंगा क्योंकि बहुत अच्छी होती है, बेल्जियम चॉकलेट होती है, और लाइन देखो कितनी लंबी है। तो जो काम कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, हम खा पी रहे हैं बस। देख रहे हो शाइनिंग, इतनी शाइनिंग है, चॉकलेट खाओ खा लो थोड़ी थोड़ी देर बाद। हाँ जी, खानी आइसक्रीम खानी है? नहीं नहीं, देखो चॉकलेट सबसे बेस्ट और आइसक्रीम सबसे बेस्ट, दोनों चीजें दुख साथ में, बिल्कुल फ्राई नहीं नहीं, नहीं। मम्मी कह रही है समंदर है ना ये, मैंने बोला नहीं ये भी लेक है, ये वही वाली लेक है जो पिछली बार गए थे। टेस्ट करो थोड़ी सी, थोड़ी सी वही लेक, वही वही, कैसी है, बढ़िया ना? पहले हम कहाँ, कौन से गेट पे गए? पहले हम पोर्ट क्रेडिट गए थे, अच्छा वो अलग जगह है, ये बर्लिंगटन है, ये उससे साफ साफ है, ये हाँ साफ है थोड़ा, जो पोर्ट क्रेडिट वाला है ना वो थोड़ा सा नेचुरल है, ये थोड़ा सा कमर्शलाइज टाइप का। डर लग रहा है किनारे पे आओ ना, किनारे पे वो नडे जाए। स्विमिंग करनी है इसमें? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। दोपहर को इतनी गर्मी थी, मुझे लग नहीं रहा था कि आज जैकेट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मम्मी अब सीख गई है, हमेशा वो जैकेट रखती है, चाहे लू पड़ रही हो और शाम को जरूरत पड़ गई जैकेट। अभी मैं हर टाइम मेरी जैकेट और बोल गए वाइफ को, बोल गए वाइफ की, हरमीत की मम्मी है, ठीक है, और हरमीत को कोई चक्कर नहीं, यंग बच्चा है, ठंड में मर जाए उसको, ठंड नहीं लगती है, अब ठंड लग रही है, हवा लग रही है एक्चुअली, पानी के पास। डैडी आपको पता है ब्लॉगर बने हुए हैं, सारे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, हर किसी का कुत्ता आ रहा है, आइसक्रीम आ रही है, बाइक आ रही है तो वीडियो बनाया, तो वो खुश हो गया बड़ा, उसने वो जोश आ गया उसको, उसने रेव कर दी पूरी, उसने आवाज निकाल दी, बस वो पापा उसको देख के खुश हो जा रहे हैं, वीडियो देखी जा रहे हैं बार बार, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दूंगा मैं, वीडियो डाल दूंगा, खुश हो गया वो, क्या बात है, बैठ जाते बाइक पे जाके बैठ जाते, बिठा लेता वो आपको, दोनों प्राइज रख देखिए, ले जाता फिर आपको साथ में, थोड़ा सा हिलता है ना जैसे फ्लाईओवर भी तो हिलता है, हाँ, तो ऐसे हिल रहा है, मम्मी को डर लग रहा है, पानी से हिल रहा है, कॉलम है, पानी में ना गिर जाओ, हाँ, ऐसे आ जाओ किनारे पे, किनारे पे तो आ जाओ, किनारे पे तो कुछ नहीं होगा, तार है गिरोगे थोड़ी, तो इसमें से कहाँ जाओगे, लेके आओ मम्मी को किनारे पे, लेके यहाँ पे खड़ा होता तुम, आ जाओ, मम्मी इतना डरती है आप डरते ही नहीं हो, बेल्ट बांधो तकड़ी ऐसे रस्सी से बांध, फिर नीचे लटका दे तार से, ऐसी तार से। मैं अभी यही बात कर रहा था कि ये वाले जो है इतने महंगे हैं ये, हाँ। जो अपार्टमेंट है ये वाले, क्योंकि उनको वहाँ से अपनी बालकनी से पानी दिखता है, हाँ। और डैडी कह रहे मम्मी रह नहीं पाई है, नहीं इतनी ऊपर क्या दिक्कत है, हाँ, नहीं इतनी ऊपर तो कोई दिक्कत, पानी थोड़ी आएगा वहाँ पे, देखेगा बल्कि व्यू देखेगा आपको, जैसे बाढ़ आ जाएगी ऊपर क्या करो, नीचे आएगी ना बिल्डिंग, ये क्या मतलब सहानुभूति क्या देनी है, डैडी और डरा रहे, वो तो दिखाने कुछ कूद गया बंदा, वो देखो कूद गया, अलाउड नहीं है ऐसे, हाँ, पुलिस वाले ने देख लिया ना उसको, ठंडे पार में ले जाएगा उसको, मस्ती कर रहा है वो ऐसी है, निकल आया और अर्थ को स्विमिंग आती है, पर से हमारी है, आवाज नहीं है इतनी तेज, भाग रहा है ना एकदम से, भाग रहा है वो,
क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? यार है तो डेंजरस, डेंजरस है ना, क्या जवान है वैसे, लेकिन है भी 10-12-15 साल का ही, लेकिन अलाउड नहीं है ना, ये अलाउड नहीं है, शरारते कर रहे हैं बच्चे हैं स्कूल वाले। नीचे अगर कोई खतरनाक जानवर हुआ ना तो इसको पकड़ देगा। भाग रहा है, देखो भाग रहा है। मम्मी किनारे पे नहीं जा रही, वो ऊपर से छलांग मार रहा है पानी में। अगर मार दी तो क्या होएगा? छलांग पानी में पत्थर होगा तो लग नहीं जाएगा इतना ऊंचे से, तितर बितर हो जाएंगे आपके जोड़े और पैर और हाथ पैर है ना, अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। चेन देख रहे हो? सबसे बड़ी चेन है, कभी देखी नहीं आते, लोहे की है पूरी, वो हिलता ही नहीं है तो भैया, भाई इतनी भारी है वो। ओहो, प्लास्टिक नहीं है, लोहा है। और ये छोटा सा बीच है बच्चों के लिए, एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे, अंदर नहीं जाते, अंदर वो बाउंड्री लगी है, उसके आगे नहीं जा सकते बच्चे के। हाँ, वैसे वो कूद रहा था ऊपर, वो अलाउड नहीं है, वो यहाँ आ सकते, आ सकते हैं यहाँ पे खेल, इसके अंदर अंदर। बेंच मिल गया, अब आराम से रात को जाएंगे यहाँ से, आराम से बैठे रहो, जमाने करेगा फिर जाएंगे, आराम से पानी के नजारे लो। मैं और मनप्रीत तो आगे पत्थर पे जाके बैठते थे, वहाँ से आइसक्रीम लेके पत्थर पे जाके बैठे रहते, आप पानी के आगे जानी पैरा चलता है। हाँ, मेरे से ज्यादा ना डैडी ब्लॉगिंग करने लग गए हैं, हर चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, हर किसी है ना, हर किसी की का वीडियो बना लेते हैं, पता नहीं चलता हम ऐसे नानू के आ रहे होते हैं अधनंगे, हमारा वीडियो बना के डालते हैं बस व्हाट्सएप स्टेटस। ये देखो, कोई फ्रेम ही नहीं है, मुंह में डाला हुआ कैमरा, इतना जूम करा हुआ कैमरा बाहर निकालो भाई, नाक में डाल दिया कैमरा। लोग कह रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल खोल लो आप, इतने वीडियो बनाते तो इतनी वो नहीं है, क्या नहीं है, पैसे नहीं मिला, पैसे नहीं, फोन है, पैसे थोड़ी चाहिए थे यूट्यूब के लिए, फोन है आपका, फोन से वीडियो बना रहे, गाड़ी भी नहीं है ना, कार भी नहीं, कार तो मेरे पास है, पेट्रोल का पेट्रोल कौन खर्चे, पेट्रोल क्या, पेट्रोल तो डाल ही रहे हम, गाड़ी में बैठ जाना साथ, आप ही चलाओ मेरे साथ, मिलके चलाएंगे तो अच्छा ही है, मिलके चलाएंगे 50-50 तो अच्छा है, अलग हो तो फिर भट्ठा बैठ जाएगा। क्या कर रहे हो? मम्मी का चश्मा तोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? एनआरआई हंटी का चश्मा टूट गया ना, कंप्लेंट कर दी नहीं उन्होंने, ये देखो उत्तरी शिट भाई टूट जाएगा, ले आओ ले आओ, पीछे का लगाओ भैया, इसको पीछे लगा लो, उड़ गए, दबंग क्यों बना रहे हो उनको? मेरे से पहले ना डैडी का कैमरा ऑन हो जाता है और वीडियो बनाना शुरू हो जाता है। क्या बनाना है बताओ, मेरे को तो बता दो, जा रहे हो कहाँ? शिप जा रहा है, शिप आ रहा है, वो देखो स्कूटर देखो उसका, हाँ जी बन गया वीडियो, बन रहा है। पुलिस की बोट है वो, पुलिस की बोट है, अच्छा? वो पेट्रोलिंग कर रहा है, देख रहे कि कोई डूब तो नहीं रहा, कोई हरकत तो नहीं कर रहा, कोई भाग गया, हाँ वो तो भाग गया, लेकिन ये देख रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये चक्कर लगा रहा है, दूरबीन राउंड मार रहा है। बना रहे वीडियो ये शिप वाले का, वो एक छलांग लगा रहा है लड़का, पुल के ऊपर से उसको देख रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं कि मतलब मारे ना छलांग, अभी खड़ा है। पापा ना जूम करके देख रहे हैं यहाँ से कि वो बच्चा छलांग मार रहा नहीं मार रहा, कूदेगा वो, कूदेगा नहीं ना, वो खड़ा है ना अभी बोट लेके, बट रात का नजारा लगे ना, रात का वो लाइट वाइट जल गई है, मस्त लग रहा है। डैडी भी अभी यही कह रहे थे कि हर किसी के पास कुत्ता है, वो दो लेके जा रही, दोनों हाथ में, भाई बंदों से ज्यादा ना कुत्ते हैं यहाँ पे, यहाँ पे पता चल रहा है कि हर कोई बंदा कुत्ते लेके आ रहा है, बड़े बड़े हैं, बहुत डिफरेंट है, क्यूट भी है, थोड़े खतरनाक वाले पिटबुल भी है किसी किसी के पास। डैडी आपको रखना कुत्ता? नहीं कुत्ता नहीं रखना भैया, वो हमें काट ले, इतने बड़े बड़े कुत्ते हैं, या तो छोटा रखो, एक थप्पड़ मारे चक्कर खाए, वो इतना छोटा सा रखना, छोटे भी मिलते हैं ना, छोटा तो फिर अटैक ही नहीं करेगा ना, नहीं करेगा, भौंकेगा, वो दांत होते हैं ना उसके, फिर वो कर सकता, पकड़ सकता, जैसे ही हाथ पकड़ा उसने छाल के फेंको सारे। मुझे उतना आईडिया नहीं है, बट मुझे ये लगता यार डॉग उतना रखो जो आपसे संभल पाए, अभी मैंने देखा है इतने बड़े बड़े इतने पावरफुल डॉग हैं, वो बंदे से संभल ही नहीं रहे हैं, अगर वो अटैक कर देगा, बंदे से संभलेगा नहीं, वो तो अटैक कर देगा, जैसे ये हरमी खाना खा रहा है, ठीक है, वो खाना खींच के ले जाएगा, फिर कुछ भी कर सकता है, वो संभलता नहीं है, पता नहीं, जिसको ये आइडिया ना मेरे को बताना जरूर, मतलब अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग डॉग आप वॉक करा रहे हो और उसने अटैक कर दिया किसी पे, कैसे कंट्रोल करोगे? अगर उसको भूख लगी, हम खाना नहीं दे रहे, वो हमें काटेगा, पक्का काटेगा, फिर क्यों खाना दो ना, फिर क्यों नहीं दोगे खाना, खाना दो, डॉग आपने बच्चे की तरह पालना होता है, नहीं पाल सकते ना, हम नहीं पाल सकते, वही तो मैं कह रहा था कि रात को भी अच्छा नजारा आता है और दिन में भी, अब लाइट जल गई है देखो। अब जो बर्लिंगटन का विलेज है, जो काइंड ऑफ डाउनटाउन है, वहाँ पे एक बड़ी सही चीज होती है, अगर वो हुई तो आपके अंदर का बच्चा बाहर आ जाएगा। मेरे अंदर बच्चा है ही नहीं, बच्चा ही तो है। आपके बाहर भी बच्चा, अंदर भी बच्चा ही है, तो फिर आप आधा घंटा वहीं लगे रहोगे, आप खेलते रहोगे उसके साथ, तो कभी देखा ही नहीं, चल दिखा। वो जो चीज मैं कह रहा था ना, जिसमें आप बच्चे बन जाओगे, वो है वहाँ पे, तो आप खेलते रहोगे आधे घंटे तक, ठीक है मुझे पता है ना आपका, आधे घंटे तक खेलते रहोगे। अब ये जो ट्री है ना पीछे, ये सिंगिंग ट्री है, ये वाला पीछे वाला, ताली बजाओगे इसकी लाइट जल जाएंगी, बजाओ ज्यादा तेज, आगे 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 करके,
अरे जोर से एक बजानी है, एक बजाऊंगा आगे आगे। हाँ ये कवाली वाले आगे एक बजाओ ना, इतनी सारी बजा। हाँ जितनी जोर से बजाओगे उतनी ज्यादा लाइट जलेगी। बस ऐसी आर्ट है, पिक्चर खिंचवा सकते हो इसमें। भाई आपकी ताली कैसी थी? बिल्कुल कवाली जैसे, कवाली नहीं गाते कवाली वाली। वो लड़के खुश हो गए, वो भी शरारतें करने शुरू हो गए। अब जब वो विलेज स्क्वायर था ना, वहाँ पे लाइट्स ऑफ थी। अब रात हो गया ना, लाइट्स ऑन हो गई, बहुत सी लगेगा तो वहाँ पे जाके पिक्चर्स खिंचा। अभी ना आज हमने ग्रोसरी भी करनी थी, हमने घर की सफाई भी करनी थी, बट हम टाली जा रहे हैं बिकॉज परसों आ रही मनप्रीत, तो हमें सफाई करनी ना। हम अभी मेरा रूम तो ऐसे जैसे बैचलर्स नहीं रह रहे होते, बिल्कुल इधर उधर कपड़े कपड़े रोज बहाना मार देते हैं कि चलो एक दिन रह गया अभी रुक ले। कल भी हमने जाना है, कल भी नहीं हो पाएगी सफाई, बट अब देखते हैं घर जाके हो जाएगी। मनप्रीत के आने से पहले सफाई तो करनी है ना यार, घर जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है। चाय पिएंगे, सुबह एनर्जी आएगी, नहीं नींद आएगी नहीं, करते रहेंगे नशे में। बट वीडियो एंड कर देते हैं, वीडियो एंड कर, चलो ओके। Thank you so much.